हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिवाइन यूनिवर्स चैनल में। आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ कि पुष्य नक्षत्र में अपने विश को मैनिफेस्ट कैसे करें। हाँ, आज पुष्य नक्षत्र है, आज सुबह से ही कल सुबह तक सूर्योदय तक पुष्य नक्षत्र है, और यदि आज आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आज आपको क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नमस्ते। आपको इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अमेजिंग टेक्निक्स, मंत्र एवं अध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ मिलेगी। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के पुष्य नक्षत्र की। आज जो है वो पुष्य नक्षत्र है, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग है, गज केसरी योग भी बन रहा है, तो ऐसे जो समय रहता है इसे डिवाइन समय, डिवाइन टाइमिंग जो है, इस पर हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी विश को आसानी से मैनिफेस्ट कर सके, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आज ओम क्लीम कृष्णाय नमः के 108 बार आपको चैंट करना ही है। आज सुबह से लेकर आज रात तक 12:01-2 सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप करेंगे कल, तो कल जो सुबह रहेगा वो सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो आपको कल भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज आपको 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट करना है, और उसके साथ साथ ही चैंटिंग करने के बाद आपको अपनी जो विश है उसको विजुलाइज करना है और अपनी विश को लिखना भी है। ध्यान दीजिएगा कि आपको आज भी करना है और कल आपको सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको ज़रूर करना है। देखिए, माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, नाम से ही जैसे हमको समझ में आ रहा है कि हमें इस योग में, इस जो नक्षत्र है और ये जो समय है, इसमें हम कोई भी अपनी नए काम की शुरुआत करते हैं या कुछ भी हम अपनी विश मांगते हैं तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। इसके साथ ही जब हम ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र है, और ये पुष्य जो नक्षत्र है ये गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो इसको और भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आज आपको 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः की चैंटिंग करना है, उसके बाद अपनी विश को विजुलाइज करना है और साथ ही साथ में अपनी विश को लिखना है। आप 1, 2, 3, 4, 5 विश लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कल सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट करना है और साथ ही अपनी विश को फिर से एक बार विजुलाइज करना है। सुबह सुबह जो रहता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है चीज़ें, और वो उसी हिसाब से फिर हम अपनी जो विश है वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, और फिर आपको कल सुबह भी अपनी विश को दोबारा लिखना है, और आपको ये क्या करना है, पूरे विश्वास के साथ में करना है। मैंने पुष्य नक्षत्र का इसलिए बताया क्योंकि आप पुष्य नक्षत्र के बारे में और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, कॉपी पुस्तकें और स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप उसे खरीद लीजिए। आप इन्हें छोटे छोटे बच्चों को दान भी कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, और इस जो पावन और जो श्रेष्ठ जो योग है आप इसका सभी लोग फायदा ज़रूर उठाइएगा। मान्यता ये भी है कि इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है, हमें सोने की खरीदारी ज़रूर से करनी चाहिए, भले आप छोटा सा एक मोती ही क्यों ना ले, लेकिन आपको ज़रूर लेना चाहिए। और ये जो योग रहते हैं ये बहुत ही एक एक होता है ना कि डिवाइन टाइमिंग रहता है, उस टाइम पर यदि हम कुछ करें तो हमें उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है, बहुत रफ्तार से हमारी जो विश है वो मैनिफेस्ट होती है, तो ये वो ही टाइम है, तो आपको इसका पूरा फायदा उठाना है। अभी भी है गुरु पुष्य नक्षत्र, आज रात में भी रहेगा और कल सुबह तक भी रहेगा, तो आप आज के पास, आज आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत ही विश्वास के साथ में चैंट कीजिए, बहुत ही विश्वास के साथ में विजुलाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ में आप अपनी विश को लिखिए और अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। आपको शुभकामनाएं बहुत सारी, और आप अपनी विश मैनिफेस्ट कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।